अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता है। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले, धीरे धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं, मान्यवर बैठ जाइए, दिग्विजय जी अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर He is not yielding. Go ahead. Honorable Home Minister. He is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया गया, हमें कोई आपत्ति, गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा, एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी, पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है, देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा, हमें कोई इसमें शर्म की बात। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहा है,
अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है, क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है, संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार किया? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रमक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है।